वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है। आज देर रात या फिर कल सुबह तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का ऐलान हो सकता है और इससे भड़की शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले को लेकर। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 48 घंटे दिए गए, हमें 24 घंटे क्यों दिए गए। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीपी को हालांकि आज रात 8:30 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन एनसीपी ने आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से 3 दिन का और वक्त मांगा समर्थन पत्र जुटाने के लिए। उसके बाद राज्यपाल ने अपने विवेक के आधार पर केंद्रीय कैबिनेट को यह सिफारिश कर दी, गृह मंत्रालय को यह सिफारिश कर दी कि महाराष्ट्र में क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। न माया मिली न राम वाली स्थिति इस समय शिवसेना के लिए हो जाएगी, क्योंकि अपने वर्षों पुराने गठबंधन से शिवसेना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बाहर हो चुकी है और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी अधूरी रह जाएगी अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से नहीं बन पाता है। हालांकि कांग्रेस शिवसेना के साथ वाली सरकार के साथ आएगी भी या नहीं ये अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इशारों इशारों में इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस विचारधारा की पार्टी शिवसेना है उस विचारधारा के साथ कांग्रेस कैसे एक सरकार का हिस्सा बन सकती है या फिर कैसे उस सरकार को कांग्रेस समर्थन दे सकती है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है एक और, उसके मुताबिक राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है और महाराष्ट्र के राजभवन ने इसके बाबत एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर औपचारिक पुष्टि इस बात की हो गई है। राज्यपाल ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के आसार नहीं है, लिहाजा उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। राज्यपाल का कहना है कि राज्य में धारा 356 लगा दी जानी चाहिए। अब महाराष्ट्र की लड़ाई का अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा, जहां शिवसेना पहुंच गई है। जस्टिस बोबड़े के आगे कल सुबह इस मामले की सुनवाई होनी तय हुई है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस बार दिल्ली से और जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना के लिए स्थिति अब काटो तो खून नहीं वाली हो गई है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल रोहित, एक कहावत है कि चौबे जी बनने चले थे, छब्बे बन के निकले दूबे। तो अब शिवसेना की लगभग लगभग स्थिति वैसी हो चुकी है। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर कोर्ट गई है शिवसेना, वो जाना भी चाहिए, लेकिन अगर जिस तरीके से पिछली सरकारों में भी इस तरीके की स्थिति आई है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है लेकिन उसके बाद दो पार्टियों ने मिलकर जो है बहुमत की स्थिति बताई और राज्यपाल को जाके ज्ञापन दिया और अपनी बात कही कि उनके पास बहुमत है, वो उन्होंने अपने नंबर राज्यपाल को साबित किए, तो राज्यपाल ने हमेशा ऐसा भी किया है कि राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भी की है और उन्होंने ये कहा कि इन पार्टियों के पास बहुमत है और वो सरकार बनाना चाहती हैं। तो इस तरीके की अगर क्वाइट कोर्ट के साथ साथ अगर एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस राज्यपाल के पास जाकर भी ये कहे कि उनके पास बहुमत है और वो तीनों मिलकर सरकार बना और अपना ज्ञापन अपनी तरफ से नंबर स्टैब्लिश कर दें, तो भी जो है राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश जो है वो राज्यपाल की तरफ से की जा सकती है। लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया गया है क्योंकि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस इसी तरीके के मुद्दे लेकर कोर्ट में गई है और ये जहां तक ये बात है कि अब कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए, लेकिन लीगली दरवाजे को खटखटा के उन्होंने अपने पक्ष को और ज़्यादा मजबूती से रखने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, लीगली रखने की कोशिश तो की है, लेकिन अब मौजूदा स्थिति तो ये हो गई ना कि शिवसेना के लिए अब ना इधर जाने का है ना उधर जाने का है। गठबंधन में रहे नहीं, केंद्र सरकार में रहे नहीं, अपने ही इतने वर्षों पुराने सहयोगियों से कट गए और दूसरी तरफ जहां दोस्ती के केवल संकेत दिए गए थे वहां दोस्ती की संभावनाएं अभी दिखती नहीं, क्योंकि कांग्रेस बैकफुट पर चल रही है शिवसेना को लेकर। रोहित, बिल्कुल रोहित, इस पूरे खेल में अगर किसी को देखें तो पोब आ रहा है तो शरद पवार की पोब आ रहा है। उन्होंने शिवसेना को कन्विंस किया कि आपको पहले एनडीए से बाहर आना होगा, तब हम आपके लिए समर्थन दे सकते हैं, कांग्रेस से बात करेंगे।
शिवसेना जब जो है वो एनडीए से बाहर आ गई, उनके केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, उसके बाद भी जो है एनसीपी और कांग्रेस ने जो है शिवसेना को जो है कल शाम को 7 बजे तक जो है अपना समर्थन पत्र नहीं दिया, तो शिवसेना के लिए बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको 2 दिन का समय और दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही तुरंत बाद जो है राज्यपाल ने एनसीपी को कहा कि आप सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी ने सुबह ही राज्यपाल को एक पत्र भेज दिया जिसमें ये कहा कि उनको भी 2 दिन का समय चाहिए। उसी पत्र को आधार बनाकर जो है राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है वो अनुशंसा जो है। इस समय हमारे साथ आ गए हैं लाइव साहिल जोशी, लगातार पिछले कई दिन से घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे और हर कोई ये कह रहा था साहिल कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो शिवसेना की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी। हालांकि सरकार आगे भी बनाई जा सकने की संभावना हो सकती है, लेकिन एनसीपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में क्या लगता है शिवसेना को हाशिए पर ढकेल दिया है? बिल्कुल देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यहां तक की स्थिति लाने के लिए अब एनसीपी को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस और शिवसेना दोनों को। क्योंकि कल तक एनसीपी ये कह रही थी, ऑन रिकॉर्ड उनका ये स्टेटमेंट था कि हमने गवर्नर से मुलाकात की है और हमने उनको कहा है कि हमको आज शाम तक का समय दिया गया है 7:30 बजे तक का। लेकिन बीच में चुप चुप के एनसीपी ने गवर्नर हाउस को खत लिख के भेज दिया कि उनको 48 घंटे की मोहलत चाहिए। और वो खत का सहारा लेकर गवर्नर हाउस ने लीगल ओपिनियन लिया और उसके बाद केंद्र सरकार को यह रेकमेंड कर दिया कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए देना चाहिए। गवर्नर हाउस से कोई इसके बारे में कंफर्मेशन आखिर तक नहीं आया। आखिरकार जब कैबिनेट ने इस बात को अप्रूव कर दिया कि हाँ हमने गवर्नर हाउस से जो रिकमेंडेशन आया है वो बात मान ली है, उसके बाद 23 सेकंड पहले, करीब करीब 30 सेकंड पहले गवर्नर हाउस से ट्वीट आता है और कहा जाता है कि हाँ हमने ये रिकमेंड किया था। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर एनसीपी की जो भूमिका है वो यहाँ पर साफ नजर आती है। साफ है कि शरद पवार अभी भी समय लेना चाहते हैं पूरी तरीके से ठोक बजाकर, क्या भाव होगा, किस तरीके से पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन सा पोर्टफोलियो कहाँ जाएगा, ये पूरा ठोक कर जब तक वो तैयार नहीं करते ये फॉर्मूला तब तक वो नहीं सरकार बनने देंगे। ये बात भी साफ हो गई है। और अभी की स्थिति यह है कि 4:30 बजे कांग्रेस के ये तीनों वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ में एनसीपी और कांग्रेस की बातचीत होगी, उसके बाद शिवसेना से बातचीत की जाएगी और अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री फॉर्मूला निकलता है, अभी देखिए अभी तो कोई डेडलाइन तो है नहीं क्योंकि अभी राष्ट्रपति शासन लग गया है यहां पर। यार एक प्रेसिडेंट को कैबिनेट ने पहले ही रिकमेंड कर दिया है, उसके बाद ये टेक्निकलिटी है कि कितने बजे से लगेगा, लेकिन अभी करीब करीब लग गया ये पकड़ के चले हम, तो अभी कोई डेडलाइन बची नहीं है। अब आज भी डिस्कशन हो सकता है, आज सेटिस्फेक्शन हो नहीं हो कल भी हो सकता है, कल अगर बात बनती है नहीं बनती है तो अभी जितना समय वो लेना चाहते हैं ये पूरे बातचीत करने के लिए उतना समय वो ले सकते हैं और उसके बाद ही इसके बारे में कुछ फैसला होगा। इस बीच शिवसेना ने पहले से ही कपिल सिब्बल से बात करके रखी है और हो सकता है कि अगर कोई सही फॉर्मूला ना निकल के आए तो लीगल ऑप्शंस की भी तैयारी शिवसेना कर रही है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और उनको बताया जाए कि गवर्नर ने उनको ज्यादा समय नहीं दिया जिसके वजह से यह गवर्नर रूल लग रहा है। लेकिन अभी तक की स्थिति अगर हम देखें तो गवर्नर पूरी तरीके से रूल बुक के अनुसार चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 3 पार्टियों को मौका दिया, तीनों पार्टियों से जब उनको समय मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जो समय सीमा सीमित की गई थी उसके बाहर जाकर वो किसी को समय नहीं दे सकते और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया है। तो अब ये लीगल टैंगल भी हो सकता है और उसके साथ साथ अब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस इनकी बातचीत के लिए कोई समय सीमा नहीं रही है, कितने दिन भर भी ये बातचीत चल सकती है और उसके बाद जब तीनों पार्टियां सेटिस्फाई हो जाएंगी उसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश हो सकता है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम में शरद पवार पहले आदमी थे जिन्होंने चुनाव नतीजे आने के बाद कहा कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे। उसके बाद भी जब उन्होंने शिवसेना को हाथ हिलाया तो शिवसेना अपना मजबूत गठबंधन इतने वर्षों का तोड़कर शरद पवार की तरफ चली गई पर हाथ में कुछ नहीं आया। क्या ये इस बात को साबित नहीं करता कि महाराष्ट्र में राजनीति में उद्धव ठाकरे संजय राउत की सेना अभी कच्ची है कांग्रेस और एनसीपी के सामने? देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि शरद पवार जितने साल महाराष्ट्र की राजनीति में गुजार चुके हैं उतनी तो हमारी उम्र भी नहीं होगी, तो इसके वजह से वो इस राजनीति में सबसे ऊपर है, उसमें तो कोई हम
उस पर तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन राजनीति में इतनी बात तो पक्की है कि कोई भी बात जल्दबाजी में नहीं होती। ये बात तो अब शिवसेना को समझनी होगी कि आपने एनडीए में इस्तीफा दे दिया उसके बाद तुरंत दो दिन में आपकी सरकार बन जाएगी, ये बात भी नहीं हो सकती। शरद पवार पूरा ठोक बजाकर अपनी अपनी बात बनवाएंगे और उसके बाद ही सरकार बनानी है तो बनाएंगे। अभी क्या है, अभी गेम सबके लिए ओपन हो गया, अभी राष्ट्रपति शासन लग गया है, उसके बाद बातचीत का दौर अब इस तरीके से चलता रहेगा, घूमता रहेगा, और उसके बाद जब तय होगा पूरा फॉर्मूला उसके बाद ही गवर्नर के पास जाया जाएगा और कहा जाएगा कि अब हम तैयार हैं। जी वापस आते हैं आपके पास साहिल जोशी, ये कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, अब कोई समय सीमा नहीं होगी तीनों पार्टियों के पास, अब वो आराम से बैठ के बातचीत कर सकती हैं, शर्तें तय कर सकती हैं किन शर्तों पर उनको अपना गठबंधन बनाना है, किस पार्टी की क्या भूमिका होगी, किसका मुख्यमंत्री होगा, किसके पास कितने पद आएंगे, ये सारी चीजें अब आराम से वो बैठकर डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि शिवसेना ने अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज कराई है अपनी और सुनवाई की मांग की है कि राज्यपाल ने बीजेपी को 48 घंटे का वक्त दिया तो हमें 24 घंटे का वक्त क्यों दिया गया था। ये आपके सामने राजभवन की तरफ से जो जानकारी है वो टेलीविजन स्क्रीन पर है। गवर्नर सबमिट्स अ रिपोर्ट टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जिसमें लिखा गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह स्थिति को देखते हुए कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी अभी सरकार बना पाने की हालत में नहीं लग रही है, केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि संविधान के आधार पर यहां धारा 356 लगा दी जाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, यानी कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना, साहिल जोशी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, अधीरता के चक्कर में फंस गई या फिर इस चक्कर में कि यह हाथ आया मौका जिसमें हम बीजेपी पर दबाव बनाकर इन दो राजनीतिक पार्टियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं, कहीं हाथ से ना निकल जाए जिसमें शिवसेना का सीएम बन सकता है दोबारा। देखिए रोहित, अब आज की स्थिति में शिवसेना पर दबाव जरूर बन गया है क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे कांग्रेस एनसीपी बात मान लेगी क्योंकि कल तक जो सिनेरियो लग रहा था कांग्रेस मन बना रही थी कि हाँ हमको समर्थन देना है, उन्होंने अपने लेटर्स भी तैयार रखे थे, लेकिन शरद पवार ने सोनिया गांधी को कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, अभी तक गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या फॉर्मूला होगा, कौन क्या पोर्टफोलियो चलेगा, उस पर शिवसेना से उनकी बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि ठीक है कंसल्टेशन के लिए हमारे लोग आपके पास आएंगे और उसके बाद हम तय करेंगे। इस बीच बिना शिवसेना को बताए एनसीपी ने खत भेज दिया गवर्नर के पास कि हमको और 48 घंटे दीजिए, गवर्नर ने कहा नहीं रुकेंगे हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो ऐसे में अब शिवसेना पर दबाव बन गया है, शिवसेना ने पहले ही अपने सारे विधायकों को एक रिसोर्ट पर रख दिया था इस डर से कि कहीं उनको कोई तोड़फोड़ की कोशिश ना करे। तब तक उनके मन में डेडलाइन थी कि 9 तारीख तक गवर्नर रुकेंगे, उसके बाद 4-5 दिन का समय मिलेगा तब तक सरकार बन जाएगी, इसीलिए उनकी बुकिंग भी 15 नवंबर तक की थी रिसोर्ट में। अब कोई समय सीमा नहीं है, अब उनको पता नहीं है कब तक विधायकों को रखना होगा, क्या विधायक इस प्रेशर में आकर कहीं इधर उधर ना चले जाए, उसका एक अलग से प्रेशर उन पर रहेगा। और उसके साथ साथ इतना बड़ा खतरा लेकर वो एनडीए से बाहर निकले, अपने मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा, इसके चलते अब जल्द से जल्द कम से कम महाराष्ट्र में सरकार बन जाए और उनका मुख्यमंत्री भी बने, इसका दबाव अब शिवसेना पर रहेगा। वही दूसरी तरफ इसके सारे सूत्र यहाँ पर यानी वाईबी चव्हाण सेंटर पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के हाथ में अब चले गए कि सरकार किस तरीके से बनानी है, कितने दिन में बनानी है, कितने दिन में हाँ करना है, अब ये सारी चीजें शरद पवार तय करेंगे। तो इसके लिए अब शिवसेना के हाथ में बातचीत के अलावा फिलहाल इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति इस अब तक एनसीपी और शिवसेना के बीच एक तरीके से ब्रिज बने हुए थे वो इस वक्त एंजियोप्लास्टी के बाद अस्पताल में है, वो एक्टिव होने में कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा, मैं संजय राउत की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए आप शिवसेना के लिए काफी पेशेंस की घड़ी है, अब वो किस तरीके से अपना दिमाग ठंडा रखते हैं, अपने विधायकों को साथ में रखते हैं, उनका मनोबल बढ़ाए रखते हैं, ये सारी चीजें अब हमको देखनी होगी रोहित। लेकिन ठंडा ही दिमाग रख पाते तो ये स्थिति क्यों आती, उनको बेचैनी और जल्दबाजी तो इस बात की थी कि सीएम की कुर्सी मिल जाए। देखिए
देखिए वहां पर तो एक बात साफ हो गई थी कि उनको मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी मिलने वाली है नहीं। बीजेपी ने साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री पद तो मिलने वाला है नहीं। अब राजनीति में कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है, और अगर रिस्क लेने के बाद कहीं फंस जाए तो शांति से उसको फॉलो करना इतना ही आपके हाथ में रहता है। अब इतना अगर शिवसेना कर ले तो उनके पास गेम होगा, अगर नहीं करे तो एक बार फिर मामला यहीं पर फंस जाएगा। तो इसके लिए फिलहाल तो शिवसेना के पास जो रास्ता नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है। शरद पवार इस पूरे मामले में एक बार फिर उभर कर आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हिमांशु, बीजेपी के समर्थक ये कहते हैं कि असली खेल तो बीजेपी और अमित शाह ने किया, उन्होंने धीमे से जमीन खींच ली इनके नीचे से और ये कहा कि जाओ अब बना के दिखाओ सरकार। देखिए बिल्कुल बीजेपी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि शिवसेना के पास नंबर नहीं है, और कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी इनकी धुरियां अलग अलग हैं, इनका बेस एक है। अगर आप देखें तो अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एनसीपी और शिवसेना दोनों एक ही जगह लड़ती हैं और दोनों का वोट बैंक लगभग लगभग एक है, कांग्रेस के वोट बैंक थोड़ा अलग है, और इसीलिए बीजेपी को इस बात का पूरा आभास था कि अगर सरकार बननी भी होगी तो उसमें बहुत समय लगेगा, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो देख रही है। इट मीन रोहित साफ साफ ये है कि वो दूर बैठकर जो है सियासी संग्राम का के अंदर जो आग लगी हुई है उस पर हाथ सेक रही है, और वो जानती है कि इसका नतीजा क्या होगा। शरद पवार बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं सियासत के, जिस तरीके से साहिल ने बताया वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रही है, और इसीलिए वो शिवसेना को पूरी तरीके से ठोक बजाकर चेक करना चाहते हैं कि वो उनके साथ कितनी दूर तक चलेगी। अगर दूर तक नहीं चलेगी तो शरद पवार शिवसेना के साथ नहीं आएंगे। उनको ये भी देखना है कि उनको क्या क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, उनको कांग्रेस को भी देखना है क्योंकि कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है, और कांग्रेस ने पूरी तरीके से जो है वो बागडोर जो है वो शरद पवार के हाथ में दे दी है कि वो तय करें कि कांग्रेस उन्हीं के साथ जाएगी। चलिए वापस आते हैं आपके पास। सवा सौ बार हिमांशु, कम से कम सवा सौ बार देश में राष्ट्रपति शासन लगा है या लगाने की सिफारिश हुई है अलग अलग मौकों पर। अब शिवसेना जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे गई है तो क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, उस पर आपसे आगे आकर और साहिल से और बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा कांग्रेस की कश्मकश भी आपको देखनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र से आने वाले गृहमंत्री रह चुके शिवराज पाटिल जब इशारों इशारों में ये कहते हैं कि शिवसेना के साथ गठबंधन तो करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो सोनिया गांधी को सलाह देंगे तो इस बात से भी पीछे हट जाते हैं कि उनके पास सलाह देने का कोई अधिकार नहीं। मौसमी सिंह ने उनसे बात की। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब हैं जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं। शिवराज साहब, किस तरह से आप देखते हैं ये पूरा जो एक बहुत बड़ा धड़ा है कांग्रेस में जो शिवसेना में के साथ सरकार बनाना चाहता है, आप सहमत हैं उस बात को लेकर? देखो, मेरी बात तो ये है कि जिन्होंने साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा है वो ही नहीं बना रहे हैं सरकार, और हमको आप पूछ रहे हैं सबसे छोटी पार्टी की तुम क्यों नहीं बना रहे। तो बैठक कर रहे हैं एनसीपी और शिवसेना, बैठक कर रही है मुख्यमंत्री को लेकर। शिवसेना नहीं, एनसीपी शिवसेना है, बीजेपी शिवसेना का क्या? तो आपको लगता है कि क्या वैचारिक मतभेद है, सत्ता के लिए नहीं जाना चाहिए शिवसेना के साथ? हमको लगता है कि शिवसेना के साथ जाने में वो अगर बोले कि हम इस प्रकार का पूरा पार्टी नहीं करेंगे, और वो भी उसके विचार के बाहर के लोगों को हम यहाँ पर आकर नौकरी करने की इजाज़त नहीं देंगे, व्यापार करने के लिए नहीं आना चाहिए, महाराष्ट्र के ही लोग रहना चाहिए, मध्य प्रदेश के नहीं आना चाहिए, यूपी के आना चाहिए, बिहार के नहीं, ये गलत सही बात है। अपनी उनकी छवि भी कट्टर हिंदुत्व की है, और वो छवि भी कट्टर हिंदुत्व की है, तो मुसलमान लोगों को या क्रिश्चियन लोगों को या बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को या जैन धर्म को मानने वाले लोगों को जो हिंदू धर्म के नहीं कहलाते हैं मगर बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के कहलाते हैं, उनको क्या करें? पर आपके लिए शिवसेना बदलेगी क्या? आपके लिए कांग्रेस के लिए शिवसेना बदलेगी क्या? हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उनके साथ जाने का है तो इन सारे चीजों का विचार हम करेंगे। क्या आपको लगता है सोनिया गांधी को आप कहेंगे कि सरकार नहीं बनानी चाहिए? मैं सोनिया गांधी को शिवसेना के मैं सोनिया गांधी को एडवाइस करने के पोजीशन में नहीं हूं,
मैं वो जो चाहे योग्य समझी वो समझेंगे, मगर अगर वो समझती है कि इस प्रकार से कोई चीज़ हो जिसकी वजह से पूरे देश की एकता के ऊपर कोई जांच आ जाए सामाजिक तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से, तो हमको उसमें एहतियात से कदम उठाने चाहिए। और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि शिवसेना के गठबंधन से बाहर होने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों ने अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का कहना है कि अब एनडीए को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। त्यागी साहब, सबसे पुराना एलआई शिवसेना और बीजेपी, दोनों का रास्ता अलग हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया। आप भी सहयोगी हैं, बहुत पुराने सहयोगी हैं, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे टूटन को, जो टूटा है इनका रिश्ता? नहीं, इतनी पुरानी मित्रता टूटती है तो विश्वास भी टूटता है, रिश्ते भी टूटते हैं और पीड़ा भी होती है। वजह क्या लगती है आपको इस जो अलग अलग रास्ते हुए? समन्वय की कमी भी एक वजह हो सकती है, आपसी तालमेल ना होना भी एक वजह हो सकती है, और निरंतर संवादहीनता शायद बड़ा कारण है। किन के बीच में? उन दोनों दलों के बीच में भी और अन्य घटक दलों के बीच में भी पहले की तरह से अधिक समन्वय की आवश्यकता है, और उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म भी बनना चाहिए जैसे अटल जी के समय में एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप थी, जहां सब दल मिलकर के, बड़ा दल भी छोटे दल भी, अपने अपनी बात कह सकें और उनके समाधान भी हो सकें। मीटिंग ना होने की वजह से, स्थान उपलब्ध ना होने की वजह से ही सभी दल समाचार पत्रों के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ही अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि कोई उपयुक्त प्लेटफार्म भी उपलब्ध नहीं है। उधार किसको, बड़े बड़े भाई को होना चाहिए या किसको होना चाहिए? बड़े भाई का हिस्सा भी ज़्यादा होता है, इसलिए उदारता भी बड़े भाई को ज़्यादा दिखानी चाहिए। तो शिवसेना नाराज है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश से, और सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने दरवाजा खटखटा दिया है। कल जिसकी सुनवाई संभव है, जस्टिस बोबड़े की बेंच में सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया। बीजेपी को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, हमें 24 घंटे का मात्र वक्त क्यों दिया गया? ये सवाल लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच गई है। इस बीच कांग्रेस एनसीपी के लिए ये एक मौके के जैसा है, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के नेता आज शाम मिल रहे हैं। कांग्रेस के तीन बड़े नेता दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं और वो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। एक तरीके से अब समय मियाद नहीं रही है कोई, जहां शिवसेना एनसीपी कांग्रेस बैठकर आपस में शर्तें तय कर सकते हैं कि अगर उनका गठबंधन होगा तो किन शर्तों पर होगा। लेकिन शिवसेना को जल्दबाजी है सीएम बनाने की महाराष्ट्र में, क्या वो इंतजार कर पाएंगे? लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।